जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की। आपका आज मैं फिर संपूर्ण ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। और हम लोग आज पढ़ेंगे शब्द अर्थ दोहा 25 से लेकर दोहा 28 तक। आपको ये मालूम है कि देखिए मैंने हर वीडियो चार चार दोहे पर बनाया है, जैसे कि आप लोग आराम समझ सकें। और उसको सुंदरकांड अगर आप हाथ में लेकर और पेन लेकर उसमें अगर उसका शब्द लिखते जाएं तो आप अर्थ निकालने में अपने आप कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ मेरा प्रयास यही है कि आप सुंदर कांड अर्थ अपनी तरफ से निकालें और समझें और दूसरों को समझाएं। चलिए शुरू करते हैं दोहा 25, जय श्री राम। देखिए दोहा 25 में अब यहाँ पर हनुमान जी जो है, अब हनुमान जी की पूछ में आग लगा दी गई थी और हनुमान जी ने यहाँ पर, अब हनुमान जी देखिए क्या करते हैं, उसमें आगे शुरुआत करते हैं दोहा 25 से। हरि प्रेरित, देखिए प्रेरित मतलब होता है प्रेरणा, तो हरि मतलब राम जी की प्रेरणा से तेही मतलब हनुमान जी अवसर चले, अवसर मतलब उस समय चले मरुत 49। अब देखिए यहाँ पर मरुत मतलब होता है पवन और 49 मतलब क्या हो, 49 मतलब 49। अब 49 क्यों है, ऐसा क्यों उन्होंने क्यों कहा है तुलसीदास जी ने, तो देखिए यहाँ पर इसलिए यह कहा गया है क्योंकि 49 पवन और प्लस करिए एक पवन सुत हनुमान जी तो 50 हो गए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य तुलसीदास जी का ये है कि हनुमान जी तो ऐसे चल रहे थे जैसे पवन सुत हो, जब पवन का वेग हो, जैसे पवन बहुत तेजी से चल रहे हों, इस प्रकार चल रहे थे। और उसी समय ऐसा लगा कि जैसे 49 पवन आके और मिल गई हो, मतलब हवा बहुत तेज चलने लगी, ऐसा उस समय का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। इसीलिए 49 प्लस एक 50 यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से समझाया है। आगे देखिए 28 करी, 28 मतलब खूब तेज उन्होंने हा हा किया, 28 करी गर्जा और खूब तेज गर्जे कपी मतलब हनुमान जी, बाढ़ी मतलब बढ़ने लगा, बढ़ने लगा आकाश मतलब इतने बढ़ने लगे आकाश तक वो अपने आप को छू गए। तो उम्मीद है यहाँ तक सब स्पष्ट है बिल्कुल। अब चौपाई भी आते हैं, देह विशाल, देह मतलब उन्होंने शरीर, विशाल मतलब बहुत विशाल बड़ा कर लिया, परम मतलब बहुत, हरु मतलब हल्का, आई मतलब हल्किया, तो यहाँ मतलब हुआ देह विशाल, उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया, परम हरुआई, परम मतलब बहुत, हल्का भी कर लिया, आई मतलब किया और हरुआरु मतलब हल्का, तो उन्होंने अपना जैसे शरीर बढ़ाया पर उन्होंने अपना शरीर हल्का भी कर लिया जैसे वायु का होता है। इसी लिखा है मरुत 49 और ये हनुमान जी 50 थे, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं वो हरुआई मतलब हल्का कर लिया होता है। मंदिर ते मंदिर, देखिए मंदिर का मतलब यहाँ पर है घरों से, जो लंका में घर बने थे उसको मंदिर कहा गया तुलसीदास जी ने, तो मंदिर ते मंदिर तो मतलब घर से घर, ते मतलब से, तो घर से घर चढ़ आई, वो घर से घर वो चढ़ रहे थे और ऊपर से कूद रहे थे, एक घर के ऊपर से दूसरे घर पे कूद रहे थे। जरई नगर, जरई मतलब जल गया, नगर तो स्पष्ट ही है जल गया नगर, भा मतलब और, लोग बिहाला मतलब परेशान हो गए अग्नि से, भाई जब आग लगेगी तो लोग परेशान हो ही जाएंगे, तो लोग परेशान हो गए अग्नि से, बिहाल हो गए, तो बिहाल मतलब परेशान होना। झपट लपट, देखिए झपट का मतलब होता है कि लपट, लपट मतलब आग, और आग कैसे उठती है, जैसे झपट रही हो, जैसे व्यक्ति को झपट रही है व्यक्ति की ओर, इसीलिए कहा है झपट लपट मतलब आग झपट रही थी, मतलब उनको जो राक्षस थे उनको जलाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए कहा है झपट लपट। झपट लपट बहु मतलब बहुत, कोटि मतलब करोड़ों, कराला मतलब होता है भीषण रूप वाली, तो इसका मतलब पूरा हुआ कि जो अग्नि थी, जो आग लग गई थी हर घर में, वो बहुत ही भीषण रूप वाली अग्नि थी और वो लोगों की लपक रही थी उनको मारने के लिए।
तात मातु, तात मतलब पिता, मातु मतलब माता, हा हा मतलब हमें सुनऊ पुकारा, हमऊ सुनऊ पुकारा मतलब हमारी पुकार सुनिए आप। तो वहां जो राक्षस जो भाग रहे थे वो कह रहे थे पिता माता सुनिए हमारी पुकार। यही अवसर, यही मतलब यही अवसर को हमें उबारा, को मतलब यही अवसर को हमें मतलब हमको उबारो मतलब बचा लो, उबारो का अर्थ होता है बचा लो। तो वो कह रहे थे कि तात माहे माता पिता मुझे आप बचा लो इस अग्नि से, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। वानर रूप, माफ करिएगा, हम जो कहा, तो जो राक्षस दूसरे से कह रहे हैं हम जो कहा, मतलब हम जो कहा मतलब मैंने जो कहा, यह कभी नहीं कोई, यह कभी नहीं है, यह हनुमान जी कह रहे हैं यह बंदर नहीं है। वानर रूप धरे, ये तो स्पष्ट है, वानर रूप धरे सुर कोई, सुर मतलब देवता, तो ये वानर रूप धर के कोई देवता आया है और जिसने यहाँ पर आग लगा दी है, ऐसे वहां के जो नगरवासी या राक्षसगण बोल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, फिर वो कह रहे हैं साधु अवज्ञा, अवज्ञा मतलब होता है अपमान, तो साधु का अपमान कर फलु ऐसा, तो वो कह रहे हैं लगता साधु का अपमान हो गया है, कर फलु ऐसा, ऐसा फल हमें मिला है। जरई नगर, जरई मतलब जल रहा है, नगर अनाथ कर जैसा, कर मतलब अनाथ, अनाथ ही जैसा, तो ऐसा लग रहा है जैसे अनाथ होता आदमी आता है वैसे हम भी हो गए, पूरा नगर ऐसे चल रहा है जैसे अनाथ हो गया, उसका कोई भी साथ देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इतनी भीषण आग लगा दी हनुमान जी ने कि ये सब लोग जिन अक्षर के नगरवासी बोलने को मजबूर हो गए। अब देखिए क्या आगे कहते हैं, जारा नगरू, जारा मतलब जल गया, नगरू मतलब पूरा नगर, निमिष मतलब क्षण, एक माही मतलब एक क्षण में पूरा उन्होंने नगर को जला दिया। एक विभीषण कर ग्रह नाही, तो एक विभीषण का कर मतलब का घर, ग्रह मतलब घर, गृह मतलब घर, नाही एक घर नहीं जला था, वो सिर्फ विभीषण नहीं जला था और सब उन्होंने जला दिया था। फिर आ कहते हैं ताकर दूत, अब देखिए अब यहाँ पर शिव जी जो है पार्वती मैया से क्या कह रहे हैं वो कहा गया है, तो शिव जी कह रहे हैं पार्वती माँ से कि ताकर दूत, ताकर मतलब उनका दूत, किसका दूत, राम जी का दूत, ताकर दूत अनल मतलब आग, जेही मतलब जिसने, और सिरजा मतलब बनाया है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसके दूत वो हनुमान जी उसके दूत हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया है। देखिए अनल मतलब आग और जेही मतलब जिसने और सिरजा मतलब बनाया है, तो अनल जिसने बनाया वो किसने बनाया, राम जी ने, और वो उसी के दूत हैं, ऐसा बोल रहे हैं शिव जी पार्वती माँ से। आगे देखिए शिव जी क्या कहते हैं, जरा न सो ते ही, जरा न सो मतलब कुछ भी नहीं जले हनुमान जी, जरा न सो ते ही, ते ही मतलब हनुमान जी, जरा न सो थोड़ा भी नहीं, जरा न सो मतलब थोड़ा भी नहीं जले हनुमान जी, कारण गिरजा, यही कारण है गिरजा, गिरजा मतलब यही कारण है पार्वती माँ, तो उन्होंने कहा कि हे पार्वती माँ, हे पार्वती जिन्होंने अग्नि बनाई है, जिन्होंने अग्नि बनाई उसी के दूत हैं, इसलिए हनुमान जी को एक भी आँच नहीं आई है, वो कुछ भी नहीं जले हैं, ऐसा कहा शिव जी ने पार्वती मैया से। आगे देखिए उलट पलट, अब उलट पलट लंका सब जारी, मतलब उन्हें उल्टा होके पलट के लंका सब जारी, जारी मतलब जला दिया, अब मतलब उन्होंने घूम घूम के उलट पलट के सब लंका को जला दिया। कूदी परा पुनी सिंधु मजारी, और कूदी परा, परपरा मतलब पड़ा, पुनी मतलब फिर से, सिंधु मतलब सागर में, और मझारी मतलब बीचों बीच, वो सिंधु के बीच में कूद गए और जो भी थोड़ी बहुत उनके पूछ में आग लगी थी वो उन्होंने अपने को बुझा लिया। अब देखिए अब हम लोग दोहा 26 पे आते हैं, दोहा 26 ये कहता है पूछ बुझाई, पूछ अपनी बुझा ली उन्होंने, मतलब आग लगी थी पूछ बुझा ली अपनी, खोई श्रम, खोई श्रम मतलब थकावट दूर कर ली, खोई मतलब दूर करना, श्रम मतलब थकावट, थकावट दूर कर ली। धरी लघु रूप, और धर लिया, लघु मतलब छोटा, रूप बहोरी, बहोरी मतलब
फिर से बहुरी मतलब ऐसे रख लिया होता है या फिर से रख लिया और फिर से उन्होंने छोटा रूप रख लिया जनक सुता के आगे। और जनक सुता मतलब सीता मैया के आगे ठाड़, ठाड़ मतलब होता है खड़े, भय भय मतलब हो गए, कर कर मतलब हाथ, जोड़ जोड़ के खड़े हो गए सीता मैया के सामने। आगे चौपाई में लिखते हैं श्री तुलसीदास जी, मातु मोहि दीजे। अब हनुमान जी कह रहे हैं सीता मैया से, मातु हे माता मोहि दीजे, मोहि मतलब मुझे, दीजे मतलब दीजिए, मातु मोहि दीजिए कछु चिन्हा, चिन्हा मतलब चिन्ह या ऐसा चिन्ह दीजिए जैसे मुझे जिसको लगे कि मैं आपसे मिल के आया हूँ। मातु दीजिए कुछ कछु चिन्हा, कुछ चिन्ह मुझे आप दे दीजिए, जैसे रघुनायक मोहि दीना, और जैसे रघुनायक राम जी ने मोहि मतलब मुझे, दीना मतलब दिया था, राम जी ने उन्हें क्या अपनी अंगूठी दी थी जिसको उन्हें सीता मैया को दिखा के विश्वास प्राप्त किया था कि वही दूत है भगवान श्री राम के। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी मांग रहे हैं सीता मैया से एक ऐसी चीज की जिसको वो राम जी को दिखा सके और उनको विश्वास दिला सके कि वो उनसे मिल के आए हैं। आगे देखिए क्या सीता मैया करती हैं, चूड़ा मणि। देखिए चूड़ा मणि का मतलब क्या होता है, देखिए चूड़ा मणि का अर्थ होता है कि जो सिर पर जो गहने पहने जाते हैं उसे चूड़ा मणि कहते हैं। तो जो सिर पे गहने पहने थी मैया, तो लिखा है चूड़ा मणि उतारी, मतलब सिर पे गहने जोते उतार लिए, तब दयु, और तब उन्होंने दयु मतलब दे दिया, किसको दिया हनुमान जी को, हर्ष समेत, हर्ष मतलब खुशी, समेत मतलब सहित, खुशी सहित पवन सुत लयु, तो पवन सुत मतलब हनुमान जी ने उसको तुरंत खुशी से ले लिया उस चूड़ा मणि को। अच्छा अब देख क्यों लिखा है खुशी समेत, क्योंकि उनको अब ये समझ, अब हनुमान जी बहुत खुश हो गए थे कि उनका ये काम पूरा हो गया है, अब उनके पास वो हनुमान सीता मैया की चीज आ गई है जिसको वो राम जी को दिखा सकते हैं और विश्वास दिला सकते हैं कि वो सीता मैया से मिल के आए हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कहु तात अस मोर प्रणामा। तो सीता मैया कहती है कहु तात, हे तात उनसे कहना जाके मोर प्रणामा, मतलब मेरा प्रणाम कहना, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, क्योंकि सब प्रकार से जो राम जी है मतलब प्रभु है, पूरन मतलब पूरा करते हैं काम, मतलब हर किसी का काम राम जी पूरा करते हैं, ऐसा सीता मैया बोली। दीन दयाल विरुद्ध विरुद्ध संभारी, कहते हैं दीनों के दयाल हैं, दीनों के दयाल हैं। और देखिए विरुद्ध संभारी मतलब विरुद्ध मतलब होता है यश, संभारी संभारी मतलब इसलिए यश उनका लोग से, इसलिए यश उन्होंने संभाल के रखा है, तो दीनों के दयाल हैं और उनका यश संभाल रखना मतलब कि यश उनका इसीलिए है कि वो दीनों के दयाल हैं। विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, और हरऊ नाथ मतलब राम जी, मम मतलब मेरा संकट भारी, जो मेरा संकट है, हे राम जी आपका जैसा यश है उसे उसी प्रकार से आप यहाँ पर आइए और मेरा संकट हर लीजिए, ऐसा सीता मैया बोली। आगे देखिए तृतीया क्या लिखते हैं, तात सक्रसुत, हे तात हनुमान जी, हे हनुमान जी सक्रसुत कथा सुनाइए। देखिए सक्रसुत का मतलब क्या है, देखिए सक्रसुत यहाँ पर कहा गया है जो इंद्र के बेटे जयंत थे, उनका यहाँ पर सक्रसुत कहा गया है। तो देखिए इनका यहाँ पर सीता मैया ने इसलिए कहा सक्रसुत उनका, क्योंकि एक कहानी ये थी कि एक बार इंद्र देवता के जो बेटे थे जयंत, वो एक बार कौए का वेश धर के आए और उन्होंने सीता मैया के पैर में बहुत तेज से चोंच मारी कि उसमें लहू निकलने लगा, और वो जैसे वो अब चूंकि राम जी उनके पास लेटे हुए थे सीता मैया के और सीता मैया बैठी हुई थी, तो एकदम सीता मैया चिल्लाई, तो उन्होंने देखा राम जी ने कि वो एक कौआ जा रहा है, जैसे राम जी ने देखा हुए समझ गए कि ये तो जयंत है, तो उन्होंने वही घास का तिनका उठाया और उसे मन में मंत्र पढ़ा उसको और मन में मंत्र पढ़ा और उसको कहा कि ये ऐसा अस्त्र बन जाए जो ब्रह्मा जी का है, तो उन्होंने उसको फेंक दिया, तो इसको क्या कहिए ब्रह्मास्त्र बना के फेंक दिया। तो जब उनके पीछे वो चला तो जयंत हर जगह गए, जयंत हर जगह पहुंचने लगे पर उन्हें कुछ नहीं मिला, क्यों कुछ नहीं मिला मतलब क्योंकि कोई श्रण देना नहीं मिला जयंत को, शिव जी क्या गए ब्रह्मा जी गए सब कहीं विष्णु जी कहीं उनको शरण नहीं मिली।
आखिरी में वो भाग के फिर से राम जी के पास आए। क्यों भाग के आए? क्योंकि नारद जी ने उनसे कहा, देखो वहीं जाओ, वही करुणा के सागर है, वही तुम्हें माफ करेंगे। तो वहां पे उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी मांगी। तब राम जी बोले, देखो ऐसा है, जो ब्रह्मास्त्र है ये कभी मतलब खाली जाता नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी बाई आंख मार दीजिए। और उसी दिन से वो बाई आंख उनकी चली गई जयंत की। तो यहाँ पे सीता मैया ने इसलिए कहा है कि तास सकृत कथा सुनाइए। तो यहाँ सीता मैया कहने का रीजन ये है कि जिस प्रकार से आपने मुझे उस कौए रूपी जयंत से बचाया था, उसी प्रकार से मुझे रावण से यहाँ बचाइए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि तात हे कपि, तुम जाकर सकृत कथा सुनाइए, मतलब जयंत की कथा राम जी को सुनाइए, ऐसा इन्होंने लिखा है। फिर देखिए कहते हैं, बाण प्रताप प्रभु समझ आइए। बाण प्रताप मतलब बाण से, अपने बाण के प्रताप से उन्होंने बाण को मारा था। तो बाण प्रताप प्रभु समझाइए, अपने बाण लेकर यहाँ पर भी आ जाइए और समझाइए रावण को कि आप कौन है। तो ऐसा कहा सीता मैया ने यहाँ पर। अब देखिए फिर कहती है, मास दिवस, मास दिवस मतलब एक महीने में, एक महीने महु नाथ ना आवा। महु मतलब मेरे, नाथ मतलब पति, ना आवा, एक महीने में अगर मेरे पति या राम जी नहीं आते हैं तो पुनि मोही, तो पुनि मतलब फिर मोही जियत नहीं पावा, जियत मतलब जिंदा नहीं पावा मतलब पाएंगे। तो ये कह रही सीता मैया कि अगर एक महीने में अगर राम जी नहीं आते हैं मुझे लेने, तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी और मुझे वो जिंदा नहीं पाएंगे। क्या सीता मैया कह रही है, कहू कपि, हे कपि तुम ही कहो, केही विधि, किस प्रकार से मैं अपने प्राण रख सकती हूँ। तुम्हू तात कहत अब जाना, तुम्हू तात तुम्हू कपि अब कह रहे हो, अब जाना, अब जाने को कह रहे हो। तेही देख शीतलई भई छाती, और यहाँ पर सीता मैया कह रही है तेही देख मतलब तुम्हें देख, शीतलई मतलब शीतल मतलब कुछ ठंडक पड़ी थी, भई छाती मतलब मेरे हृदय में कुछ ठंडक पड़ी थी तुम्हें देखकर, नहीं तो मैं तो विराग अग्नि में जल रही थी। पुनी मो कहूँ, पुनी मतलब फिर से मैं कहूँ, सोई दिन सो राती, और सोई दिन और मतलब फिर दिन, सोई मतलब फिर दिन और फिर रात मेरा लिए वैसे ही विराग अग्नि में मैं जलने लगूंगी, ऐसा सीता मैया ने यहाँ पर कहा। अब देखिए दोहा नंबर 27 शुरू करते हैं हम लोग। जनक सुतही समझायु, जनक सुतही और सीता जी को समझायु, समझाकर करी बहु विधि, करी मतलब करा उन्होंने, बहु मतलब बहुत प्रकार से, विधि मतलब बहुत तरीके से, धीरज दीना उनको धीरज दिया, उनको विश्वास दिलाया कि अब मत परेशान होइए, अब तो यहाँ पर आएंगे राम जी आपको लेने। चरण कमल, चरण कमल मतलब पैरों, चरण मतलब पैर, कमल मतलब कमल जैसे, चरण कमल सिर नाई, और उन्होंने मैया सीता मैया के जो पैर थे वो कमल जैसे थे, सिर मतलब सिर, नाई मतलब झुकाया सिर पे पैर, अपना सर अपना उनके पैर पे अपना सर झुकाया। कपी गवनू, कपी गवनू मतलब गवनू चल चल पड़े, गवनू मतलब गए। राम पही कीना, पही मतलब होता है पास, राम के पास चले, चलने को तैयार हो गए या चल पड़े, ऐसा लिखा है यहाँ पर। आगे देखिए कहते हैं, चलत महाधुनी। अब देखिए हनुमान जी को यहाँ महाधुनी कहा गया है, महाधुनी मतलब जो धुन में चलता है अपने, कि उसको वो काम करना ही करना है। देखिए राम जी हनुमान जब आए थे तो हनुमान जी के सब अपने काम कर लिए, इसलिए हनुमान जी को यहाँ पर महाधुनी कहा गया है। तो चलत महाधुनी गर्जेसी भारी, तो जब वो चले हनुमान जी फिर उड़े वहाँ से, तो गर्जेसी खूब तेज गर्जना की उन्होंने, गर्जेसी भारी मतलब खूब तेज गर्जना की। तो ग्रव स्रवही, ग्रव स्रवही मतलब ग्रव, गर्व मतलब पेट में जो बच्चे हैं, और स्रवही मतलब गिर गया मतलब वो मर गया, मतलब उनकी चिल्लाहट सुनते जब राक्षसी सुनी जिनके पेट में बच्चे थे वो पेट बच्चे ही मर गए, इतनी तेज गर्जना उन्होंने की। सुनी निश्चर नारी, सुन के निश्चर नारी मतलब क्लियर हो गया अब तो, कि गर्भ स्रवही, गर्भ में जो स्रवही मतलब खराब हो गया, गर्भ खराब हो गया, सुन के निश्चर जो राक्षसी नारी का जिनके पेट में बच्चे, जब उन्होंने गर्जना सुनी हनुमान जी को तो उनके पेट में बच्चे अपने आप मर गए। नाग, नाग मतलब नांग गए, नाग सिंधु, नांग मतलब नांग गए, सिंधु मतलब तो समुद्र नांग गए। एही एही पारही आवा, पारही मतलब और इस पार फिर से आ गए, जिस तरफ कपि और सब इंतजार कर रहे थे उनका।
सबद किलकिला कपिन सुनावा। सबद मतलब सब, और किलकिला देखिए हनुमान जितने बंदर किलकिला नहीं करते हैं, जब चिल्लाते हैं तो किलकिला कहते हैं, तो कपिन सुनावा, तो उन्होंने कपिन की आवाज़ सुनाई थी और कपिन सुनावा कि हनुमान जी ने ऐसा किलकिला करी, खुशी के मारे आए, तब सबको कपी ने मतलब कपी सुन के ये खुश हो गए। इसके दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। आए चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए जब हनुमान जी पहुँचे तब क्या होता है, तब यहाँ पर होता ये है कि हर्षे हर्षे सब, हर्षे मतलब खुशी हो गए, खुशी हो गए सब। बिलोकई, बिलोकी मतलब देखकर हनुमाना, तो देखकर हनुमान जी को सब कभी खुश हो गए, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था कि अगर कोई भी कभी अगर नहीं की वो इनका अगर चिता बार नहीं पता करेगा तो सबको मार डालेंगे, इसलिए यहाँ पर सब कभी बहुत खुश हो गए हनुमान जी को देखकर। नूतन जन्म, नूतन मतलब नया जन्म, कपिन तब जाना, देखिए इसी लिखा है कि नया जन्म कपिन तब जाना, का कपिन तब जाना मतलब कपिन ने समझ लिया कि उनका नया जन्म हुआ है, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था अगर तुम अगर पता नहीं लगा तो सबको सब कपी को मार डालेंगे, तो कपी को लगा कि उनका सबका नया जन्म हुआ है, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मतलब यहाँ कपी ने देखा कि मुख प्रसन्न है हनुमान जी का, तन तेज और उनके तन पे बहुत तेज है, और तन पे तेज है विराजा मतलब विराजा है उनके ऊपर है, मतलब हनुमान जी को देखा उन्होंने कि उनके मुख प्रसन्न है और उनके तन पे बहुत तेज है, इसका मतलब बहुत खुश हैं। किन्हेसी रामचंद्र कर काजा, किन्हेसी मतलब किया है, रामचंद्र कर मतलब का, काजा मतलब काम, तो रामचंद्र का काम लगता ही करके आ गए हैं, तभी इनका तन मुख प्रसन्न है और इनका तन पे इनका तेज है इतना। आगे देखिए क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, मिले सकल अति भय सुखारी, मिले सकल मतलब मिले, सकल मतलब सब लोग, मतलब मिले सब वानर अति भय, अति भय सुखारी, अति भय सुखारी मतलब यहाँ मतलब भय जो सूख गया उनका और सुख से मिले, अति भय सुख आरी मतलब भय खत्म हो गया और सुख से मिलने लगे, क्योंकि समझ गए थे कि अब वो जिंदा रहेंगे, उन्हें कोई मारेगा नहीं, तो अति भय सुखारी तलफत, देखिए 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 यहाँ तलफत का मतलब होता है तड़पत, तलफत मतलब तड़पत, मीन मतलब मछली, पाव मतलब होता है पाकर, ध्यान से लिखती जाइए इसको, तो यहाँ तलफत मतलब होता है तड़पत, मीन मतलब मछली, पाव मतलब पाकर, और जिमी मतलब होता है जैसे, और बारी मतलब पानी, तो जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है और जब पानी मिल जाता है उतनी खुश हो जाती है, वैसे ही कभी का हाल हो गया था कि जब तक हनुमान जी नहीं आए थे तो सब कभी बिल्कुल उसी मछली के समान तड़प रहे थे, क्योंकि जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, और जैसे ही हनुमान जी को देखा कि वो काम करके आ गए हैं तो लगा जैसे मछली को पानी मिल गया है, यहाँ ऐसी व्याख्या की है श्री तुलसीदास जी ने। आगे देखिए क्या कहते हैं, चले हर्षि रघुनायक पासा, और चले हर्षि मतलब सब लोग चल पड़े, चले हर्षि, हर्षि मतलब खुशी से, रघुनायक मतलब हनुमान राम जी के पास, पासा मतलब पास, तो सब लोग खुशी से राम जी के पास चल पड़े। पूछत कहत नवल इतिहासा, तो पूछ भी रहे हैं कह भी रहे हैं, नवल मतलब नया इतिहास कि कैसे आप मिले, क्या हुआ, बड़े मतलब जिज्ञासा पूर्ण में सब जिज्ञासु हैं, जितने भी कभी है सब जिज्ञासा है कैसे आप मिले, कैसे पहुंचे, सब पूछ रहे हैं क्या क्या आपने वहां देखा, तो नवल इतिहासा तब मधुबन भीतर सब आए, और सब बात करते करते तब मधुबन, मधुबन मतलब वहाँ बाग बगीचा था जहाँ खूब सारे फल लगे थे, वहाँ सब वहाँ से सब ये अंदर घुसाए ये, तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समत सम्मत, अंगद सम्मत मतलब सम्मत मतलब आज्ञा से, सम्मत मतलब आज्ञा से, तो अंगद की आज्ञा से, अंगद कौन थे, युवराज थे और सुग्रीव राजा थे, तो अंगद समत मधु फल खाए, तो अंगद की आज्ञा से सबने मधु फल मतलब मधुर फल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, रखवाले मतलब जो रखाव कर रहे थे मधुबन का या बगीचे का, जब बरजन, बरजन मतलब चिल्लाने लगे देख के क्योंकि तोड़ रहे फल, जब बरजन लागे मुष्टि पहाड़, मुष्टि मतलब घूसा, तो इतने खुश थे घूसा मार मार के उन्होंने हनत सब भागे, हनत मतलब खा कर सब भाग, तो इतने खुश थे कि यहाँ पे मतलब अपने ही बाग में वो लोग
घुस गए, मतलब उनके सुग्रीव जी का बाघ था और अंगद जी युवराज थे, वो घुस गए अपने ही बाघ में, खूब तोड़ खुशी मारे तोड़ खाने लगे, सब कपी थे और हनुमान सब लोग खाने लगे वहां पर फल तोड़ के, इतने खुश थे कि अपने रखवालों को ही पीट के भगा दिया। अब देखिए 28वां दोहा पे आते हैं, जाई पुकारे, अब बेचारे रखवाले थे वो जाई पुकारे, जाई मतलब गए पुकारते हुए, ते सब बदन ते सब वन, उन्होंने कहा ते वे सब वन, मतलब वन मतलब बगीचा, उजाड़ मतलब उजाड़ दिया युवराज, मतलब जो युवराज अंगद हैं उनकी कहने सब बगीचा उजाड़ दिया है, उन्होंने जा किसने कहा सुग्रीव जी से, तो सुने सुग्रीव हर्ष, तो सुने सुग्रीव, जब सुग्रीव ने सुना तो हर्ष कपी, वो खुश हो गए कपी, खुश हो गए और सोचने लगे कि कपी करी आए प्रभु काज, मतलब कपी मतलब हनुमान जी करे आए प्रभु काज, काज मतलब हनुमान जी प्रभु का काम करके चले आए। आगे देखिए चौपाई है, जौ ना होत, अब सुग्रीव सोच रहे हैं अपने मन में, जौ ना होत, जौ मतलब अगर ऐसा ना होत, मतलब जौ मतलब ऐसा ना होत, होता मतलब ऐसा ना होता, सीता सुध पाई, सुध मतलब उनके बारे में पता चलता, सीता के बारे में अगर पता नहीं चलता तो मधुबन के फल सकई की खाई, तो मधुबन के फल सकई मतलब ऐसे नहीं खाते, मतलब दुखी हो तो दुखी में कौन खुशी होता है, तो अगर दुखी होगा सीता भैया पता लगता नहीं तो कौन मधुबन के फल खाता, तो वो समझ गए सुग्रीव यहाँ पर कि हम हनुमान जी पता करके आए सीता मैया का। यही विधि मन, यही विधि मतलब ऐसा विचार मन, विधि मतलब विचार मन में विचार कर साजा, यही विधि याद देखिए विधि के कौन अर्थ निकलना, यही विधि मतलब ऐसे प्रकार से ऐसे सोच से मन विचार, हाँ ऐसे सोच से मन में विचार हुआ कर राजा, राजा कौन सुग्रीव, तो मन में विचार हुआ राजा के सुग्रीव के कि काम करके आ गए हैं ये सीता मैया, पता करके आए हैं तभी ये खुश हैं तब और मधुबन के फल खा रहे हैं। कर राजा आई गए कपि सहित समाजा, और तभी वहाँ पर कपि जो थे सहित समाजा मतलब और भी कपि सब मिलके वहाँ पर चले आए। अब देखिए सब कपि ने राजा को देखकर क्या किया, आई सब कपि जितने भी कपि थे आई सब नहीं नावा पद सीसा। अच्छा देखिए इसके पहले लिखा है आई गए कपि सहित समाजा, तो यहाँ पर इसका मतलब तो होता है कि हनुमान जी सहित जितने भी कपि थे सब एक साथ आए, समाजा मतलब सब एक साथ एकजुट होकर आ गए थे, तो आई सब नहीं नावा, आई सब नहीं, सब नहीं मतलब सब लोग, नावा मतलब ऐसे सर झुकाना, पद मतलब पैर पे, सीसा सीसा मतलब सिर, तो सब ने अपना सर झुकाया सुग्रीव के पैर पे, जितने बंदर थे सब ने अपना सर झुकाया सुग्रीव के पैरों के ऊपर। मिलेऊ सब नहीं अति प्रेम कपि सा, और मिलेऊ सबने मिले सबने सब लोग अति प्रेम से कपि सा मतलब हनुमान जी से, वो सब लोग बहुत अति प्रेम से मिलने लगे। पूछी कुशल कुशल पद देखी, अब सब पूछ रहे हैं कुशल कुशल कि कुशल कुशल मतलब क्या क्या कुशल हो तुम, क्या क्या तुमने पद देखी, क्या क्या तुमने नजारे देखे, तुम वहां पर गए रावण लंका पे क्या क्या तुमने देखा। राम कृपा भा काजू विशेषी, और राम कृपा भा मतलब होगी काजू विशेषी, काजू मतलब काम तुमने विशेष किया है इसलिए भगवान श्री राम की कृपा होगी, ऐसा सब वहां पर पूछने लगे और वहां पर बात करने लगे। देखिए कितना अच्छा तुलसीदास जी ने लिखा है, और देखिए सुंदरकांड में एक और बात है, आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया लगेगा, उतनी बार और समझ जाएंगे अगर आप एक एक अर्थ, तो आप क्या तस्वीर घूमेगी जैसे कोई पिक्चर चल रही है कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो जरूर समझे हमारे साथ। आइए चलिए आगे चलते हैं। नाथ काजू कीने हनुमान, नाथ मतलब राम जी का, काजू मतलब काम, कीने मतलब किया है, हनुमान हनुमान जी राम जी काम कर दिया है। राखे सकल कपिन के प्राण, और राखे मतलब रख लिया है, सकल मतलब सबका, कपिन जितने कपि है के प्राण को बचा लिया है, मैंने कहा ना सुग्रीव जी ने कहा था कि अगर नहीं आओ पता लगा सबको मार डालूंगा मैं, इसीलिए कह रहे हैं कि राखे सकल कपिन के प्राणा, सुन सुग्रीव बहुरी तही मिलेऊ, बहुरी का मतलब होता है, अब यहाँ पर देखिए बहुरी का मतलब क्या होता है, सुने सुग्रीव बहुरी तही मिलेऊ, देखिए यहाँ सुने सुग्रीव सुना जब, सुने सुग्रीव, सुग्रीव ने सुना जब
बहुरी, बहुरी मतलब जल्दी से हनुमान, तही मिलू, तही मतलब जल्दी से, बहुरी मतलब जल्दी से, तही मतलब हनुमान मिले हूँ जल्दी से हनुमान, चलो मिल लो राम जी से। कपिन सहित रघुपति पहीं चले, तो कपिन सहित मतलब कपि भी थे, सुग्रीव का सुग्रीव कपि सभी लोग चल पड़े रघुपति पहीं, पहीं मतलब पास, चल पड़े चले मतलब चल पड़े भगवान श्री राम के पास। राम कपिन जब आवत देखा, राम कपिन, राम जी ने कपिन मतलब बंदरों को जब आवत देखा, जब आते हुए देखा, आवत मतलब आते हुए देखा, किए काम मन हर्ष विशेषा, तो उनके कह रहे हैं कि वो भी समझ गया कि किए काम, इन्होंने काम कर दिया है, मन हर्ष, मन उनका खुश हो गया कि विशेषा, और बहुत विशेष खुश हो गया, क्योंकि क्या भाई खुश होने की बात भी थी, मन सीता मैया पता नहीं चल रहा था, राम जी बहुत दुखी थे, इसलिए उनका बहुत खुश हो गया मन उनका जब उन्होंने सब कपि को देखा, सुग्रीव देखा, हनुमान जी देखा कि चले आ रहे खुशी से, वो समझ गए। फटिक शिला बैठे दो भाई, तो जो जो फटिक शिला थी उस पर बैठे दो भाई, दो मतलब दोनों भाई, राम राम जी और लक्ष्मण दोनों बैठे थे परे, देखिए परे मतलब ना कि लेट गए, परे मतलब लेट गए, सकल कपि चरण ही जाए, और जितने कपि हनुमान जी सुग्रीव सहित लेट गए, परे मतलब लेट गए, सकल सब कपि चरण ही चरण पे जाई, मतलब सब राम जी के चरण पे लेट गए जाके। तो देखिए आज हमने आज पढ़ा 25 से 28 तक दोहा समझा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और एक बार समझें, लिखें उसको, फिर से समझें तो आपको अच्छा लगेगा, और जब भी पढ़ें सुंदरकांड तो आपको लगेगा आपके सामने वही तस्वीर घूम रही है, क्योंकि मैं जब भी पढ़ता हूँ सुंदरकांड, मैं रोज़ ही पढ़ता हूँ सुंदरकांड, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं वाकई वहाँ चला गया हूँ और सब मेरे सामने घट रहा है, क्योंकि मुझे हर चीज़ अर्थ मालूम है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप हर एक शब्द का अर्थ समझें और इसको पढ़ें ध्यान से, तब आपको उतना ही अच्छा लगेगा जितने मुझे अच्छा लगता है। जय श्री राम।